हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th सोशल स्टडीज़ के अंतर्गत हिस्ट्री यानी कि आवर पास्ट का पहला चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर। हम आपको बताएंगे बच्चों इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चनों के आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेट्स रिकॉल। क्वेश्चन पहला है आपका स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, और यहाँ पर ए है बच्चों जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। यहाँ पर आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों फॉल्स, यानी कि गलत है ये, ठीक है। इसके बाद बच्चों बी है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक, और आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। तो आंसर में आप लिख सकते हैं बच्चों फॉल्स, ठीक है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। और सी है बच्चों द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपका आंसर होगा ट्रू, इसका मतलब ये सत्य है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप अपने पहले क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आगे है लेट्स डिस्कस, और यहाँ पर क्वेश्चन 2 है आपका व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पेरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स, तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? आंसर में आप लिख सकते हैं जेम्स मिल डिवाइडेड हिज बुक इंटू 3 पीरियड, नेमली हिंदू मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश अकॉर्डिंग टू हिज प्रिजुडिस्ड वर्जन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। द ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट्स ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन वाइल द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट्स डार्कनेस इग्नोरेंस डिस्पोटिज्म रिलीजियस इंटोलरेंस कास्ट टैबूज सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेज एक्सेट्रा। द व्यू ऑफ मिल हैज सेवरल प्रॉब्लम्स विच इज नॉट एक्सेप्टेबल ड्यू टू रीजन्स, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है पॉइंट बनाकर लिखेंगे अ वैरायटी ऑफ फैथ्स अपार्ट फ्रॉम हिंदुज्म एंड इस्लाम एग्जिस्टेड इन द पीरियड्स कैटेगराइज्ड एज हिंदू एंड मुस्लिम बाई मिल, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों ऑल रूलर्स इन एंशियंट इंडिया डिड नॉट शेयर द सेम फैथ। तीसरा पॉइंट आपके लिए इट इज दिस कंट्री फ्रॉम वेयर टू अदर रिलीजियस लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डेवलप्ड एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइल हिंदू रिलीजियंस ऑल्सो एग्जिस्टेड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों द ब्रिटिश प्रिजर्व्ड द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बिकॉज दी सर्व्ड एज रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट द ऑफिशियल थॉट व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश्ड फॉर अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश राइटिंग कैन बी यूटिलाइज फॉर रेफरेंस एट अ मच लेटर पीरियड वेन एवर रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग और डिबेटिंग दीज कैन ऑल्सो सर्व एज एन इंफॉर्मेशन और प्रूफ ऑफ एनी डिसीजन और एक्शन टेकन अर्लियर ऑन सम मैटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों, याद भी करें साथ साथ। अगला है फिर आपका चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर How will the information historians get from old newspapers be different from that found in police reports? आंसर होगा बच्चों आपका information is essential for writing history of a time which can be gathered from various sources apart from official documents in the archives. Historians gather information also from old newspapers, diaries of people, accounts of pilgrims, autobiographies of important personalities and booklets etc. Information found in newspapers is varied based on incidents that have happened across the country whereas the police reports are limited and localized. Because of this fact sometimes the information historians get from police reports is not as useful as it is from old newspapers. However, for any incidents the newspaper may not quote all the reasons behind this and waste as per the thinking of reporter while in police records we could find some evidences for an incident and unwaste reports.
ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे बच्चों। आप इन्हें अच्छे तरह से याद करें, अच्छे से लिखें, और इसी प्रकार सभी पाठों के क्वेश्चन आंसर जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में कुछ नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ।